मारो मारो सुनो, ब्राह्मण की औलाद होगी ना अगर प्रॉपर, अगर नहीं मिले तो तुम्हारे करी है। नमस्कार भैया, मैं हूं सोनू सत्या और आप लोग देख रहे हैं साई न्यूज सीरीज। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से क्या इन्फॉर्मेशन आप सभी भाइयों को देने जा रहा हूं और मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहता हूं। इसीलिए सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में कुछ अजीब सा पोस्टर देखे होंगे खेसारी भैया के रिलेटेड, तो जो सच्चाई है वो मैं बताऊंगा और शायद आप लोग को यह जानकारी मिल के भी काफ़ी खुशी मिलेगा, काफ़ी नॉलेजबल वीडियो ये होने जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उसके बाद आप लोग नीचे कमेंट करके जो मैं बता रहा हूँ उस बात के जवाब के माध्यम से आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए सबसे पहले मैं बता दूँ, जो कि खेसारी लाल यादव का मैनेजर है विवेक सिंह, जो कि आप लोग शायद जानते होंगे। लेकिन एक कॉल रिकॉर्ड अभी जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो कि उन्होंने किसी और लोगों को धमका रहे हैं कि यार तू चमारू मार है। यहाँ पे जातिवाद मतलब काफ़ी बढ़ चुका है। आप लोग से मैं यह पूछना चाहता हूँ, खेसारी लाल हो, निरहुआ हो, पवन सिंह हो, चाहे दुनिया में कोई भी एक्ट्रेस हो, क्या जब उनका गाना रिलीज होता है, क्या उनका फिल्म रिलीज होता है तो सिर्फ बड़े बड़े जाति के लोग ही गाना उनका सुनते हैं, बड़े बड़े जाति के लोग ही उनका फिल्म देखते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं आप लोग को बता दूँ, जितने छोटे कास्ट हैं, जितने भी मतलब छोटे छोटे जो कास्ट है, नॉर्मल कास्ट है, जाति तो बहुत है बट मैं कोई भी जाति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो उन्होंने बताया वो मैं बात का उनसे पूछना चाहता हूँ और आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो कि उन लोगों पर ब्राह्मण होने का जो घमंड रहता है, यादव होने का घमंड रहता है। सबसे पहले मैं आप लोग का पूछता हूँ, भारत में कितना जातियाँ हैं आप खुद कमेंट करके बताइए। अगर जातिवाद, अगर हमारा बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है, सबसे फर्स्ट नंबर बिहार हो या इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री, चाहे कोई भी चीज़ में हो, सबसे फर्स्ट वो लोग क्या निकालते हैं, जातिवाद, कि हम इस जाति से हैं तो इस जाति का सपोर्ट करें। भैया सपोर्ट अलग बात है बट यहाँ इंडस्ट्री की बात आ गई, तो क्या आप जानते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक खेसारी लाल यादव हो गए थे? क्या यादव के नाम से ही यादव लोग ही मतलब उनका गाना सुनते हैं कि न जाने अनेकों गाना उनका सुनते हैं? लेकिन पब्लिकली आज तक कोई पब्लिक ला रहा, लेकिन खेसारी भैया के अगर स्टार्टअप पे दाग लगेगा तो उनका जो मतलब अगल बगल के लोग हैं उनके साथ रहने वाला वही लोग स्टार्टअप उनका ख़त्म करेंगे, ये गारंटी है। जब खेसारी भैया शुरू में जिस समय स्ट्रगल करते थे उस समय ऐसा ऐसा कोई चमचाई करने वाला चाहे कुछ इधर उधर बोलने वाले उस समय कोई थे नहीं थे, जब स्टार बन गए तो 10 को आ गए, लेकिन उन्होंने अपना मेहनत से यहाँ तक आए। लेकिन अब लगता है हमें ये सब सोसाइटी देख करके कि कुछ लोगों की वजह से उनका स्टारडम पे दाग आज नकल 100% जरूर लग गया है, जिस तरह से उन लोगों का बात व्यवहार सुनने को मिलता है। मान के चलिए अगर आप किसी को रिस्पेक्ट कीजिएगा तभी ना आपको करेगा, जो वो लोग आपस में हो उनका लोग लड़ेगा तो किस तरह से गाना चलेगा, किस तरह से फिल्म चलेगा, ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्या उचित है इस तरह का बात, किसी को गाली गलौज करना सोशल मीडिया पे आके कि ये भूमियार है, ये चमार है, ये फलना है, ये ठिकाना है, क्या आपको अच्छा लगता है? प्लीज़ नीचे कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो मैं नहीं लाता लेकिन कहीं ना कहीं का पता यह वीडियो अच्छे अच्छे लोगों के पास अगर पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं उनको सीख जरूर मिलेगा। आ ये हो रहा है मतलब इंडस्ट्री में बताए ना तो अभी एक आध दो साल से, जब मान के चलिए 4-5 साल पहले निरहुआ का फिल्म, पवन सिंह का फिल्म, खेसारी लाल यादव का फिल्म, जो भी हमारे रवि किशन भैया हो गए, सारे लोगों का फिल्म एक साथ आता था कि ना आता था, जरूर आता था, वो लोग आप लोगों को खुद पता है। अब कुछ दिनों से आज तक कभी सुने कि खेसारी और पवन सिंह का फिल्म एक साथ आ रहा है, कभी आप सुने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इस बीच में कुछ ना कुछ लोचा जरूर है, इसी वजह से इन लोगों का फिल्म नहीं आ रहा। लेकिन कौन खुल के बोले, जो खुल कर बोलेंगे उनका मुंह बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में आगे तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को बहुत आगे लेकर चले गए, इससे तो सारे लोगों को खुशी मिलता है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छे अच्छे लेवल का इन्होंने ऑडियो वीडियो करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के वजह से इन लोगों के स्टार्टअप पे दाग जरूर लगेगा। तो मैं क्या बताऊँ, बताने का तो बहुत पोल खोल सकता हूँ लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री में। और मैं आप सभी जनता भगवान सब आप लोग होते हैं, आप ही लोग किसी को आगे बढ़ाते हैं गिराते हो तो आप ही लोग के हाथ में है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं दोनों पक्ष का इधर उधर का दोनों बात सुनाऊँ तो
रहा नहीं गया, इसीलिए सोचा कहीं ना कहीं आप सभी से कुछ ना कुछ राय विचार लिया जाए, क्या इंडस्ट्री में इस तरह से कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या हमने जो आप लोग को बताया सही बताए या गलत बताए, वो भी नीचे कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कुछ मत कीजिए, बस इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि वैसे चमचाई करने वाले लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाए, कहीं ना कहीं कुछ शर्म लगे इसके माध्यम से भैया आप लोग उनको समझा दे। और जो भी भैया वीडियो देख रहे होंगे इस तरह से आप लोग करना कर रहे हैं ना, प्लीज भाई छोटे भाई का विनती आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग आपस में मिलजुल कर रहिए और इंडस्ट्री को काफ़ी एकदम सुपर डुपर और बनाइए। और कोई स्टार बनते हैं तो बहुत मेहनत करके बनते हैं, उन पर आप लोग दाग मत लगाइए। तो चलिए यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी भाइयों का कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। फिर से कह रहा हूँ लाइक नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर से मिलेंगे कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।